हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र का आंसर किया। चलिए तो मिलाइए। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत करना चाहिए। अब कारण आर सुनिए, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए क्वेश्चन दो, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन होना चाहिए। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्यार्थियों की सीखने शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन सुनिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए और बी, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए और सी में है महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब रूप में देखा जाना चाहिए और फोर है अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों को एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, अधिक कोई अवधारणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गैर प्रासंगिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर प्रासंगिकरण। क्वेश्चन नंबर छः, बच्चों में समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन सात, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम एक उत्पाद के रूप में देखने पर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आठ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अभी कथन ए में कह रहा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर लेब बाय वोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, सहकर्मी सहयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, सहकर्मी का सहयोग। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, लेब बाय वोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए अपनी सोच नियंत्रित करने का एक तरीका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चार वर्ष की अपर्णा कहती है, ऑप्शन, क्वेश्चन देखिए ग्यारह, चार वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, जीववाद चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, जीववाद चिंतन। शैशव अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, प्राथमिक माध्यमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, प्राथमिक और माध्यमिक। शैशव अवस्था भैगोत्स्की के अनुसार, क्वेश्चन 13, लेव भैगोत्स्की के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास सुगम सुगम बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। सही आंसर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोग को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए में है, शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और कारण आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास के एक प्रमुख घटक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए और आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन 17, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले पहेलियां को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वर्ष, बी ऑप्शन बी 3 वर्ष। केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की आलोचना की है। इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवाद दृष्टिकोण से। सही आंसर इसका फोर हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, केंद्रीयकरण। क्वेश्चन 20, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? वह त्वरण गतिवर्धन कहलाता है, ऑप्शन बी। इसका एक संवर्धन भी हो सकता है। एक दो नंबर ऊपर डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या है? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकार को बनाने में कठिनाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकार को बनाने में कठिनाई होती है। शिक्षक जो समावेशी कक्षा को दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, ऑप्शन सुनिए, एक में है पाठ चर्चा में अनुकूलन करें और बी में है विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, सी में है अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और डी में है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, एक दो और तीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। हॉबर्ट गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास
डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः व्यक्ति और दिक स्थान। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से शौलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? शौलीनता वाले जो बच्चे हैं उसकी विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बार बार दोहरा और आवृत्ति व्यवहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बार बार दोहरा और आवृत्ति व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गति कौशल है? ऑप्शन ए में है कागज को एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बी ए कागज को वृत्त के रूप के अनुसार काटना, सी में है बुनाई और डी में है तैरना। इसका सही आंसर हो जाएगा तैरना। इसका भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों को पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्षगामी और अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, स्थिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी, तार्किक। क्वेश्चन 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। सही, निम्नलिखित में कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ऑप्शन सुनिए, एक में है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, बी में है शिक्षक को पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, सी में है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते, और डी में है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए में है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, और कारण में है बच्चे किसी विशेष संस्कृति अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। धन्यवाद। इसमें तो दो चार नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी सही हो जाएगा।